सीटें बढ़ने की उम्मीद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी अभी बता रहे थे सारी चीजें, उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरह से शुतुरमुर्गी जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया गया है। संतोष जी लौटेंगे आपके पास मेगा एग्जिट पोल ब्रेकिंग। हम यहां पर दर्शकों को बता देते हैं पहले न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल। तमिलनाडु के लिए एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के लिए एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान। दक्षिण भारत से शुरुआत हमने कर दी है मेगा एग्जिट पोल, और अब ये तस्वीर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 मेगा एग्जिट पोल तमिलनाडु से शुरुआत। क्या कह रहे हैं आंकड़े ऊपर आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 36 से 39 की उम्मीद, एनडीए 1 से 3 की उम्मीद, 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें और अन्य जो पिछली बार 0 पर था, यानी कि एक भी सीट नहीं गई थी, लेकिन अब जो ये मेगा एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें, पिछली बार ये यूपीए था, 38 सीटें 52.56% के वोटों के साथ रही थी, और इस बार जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसके मुताबिक तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान, यानी कि एनडीए का खाता खुल सकता है 36 से 39 इंडिया गठबंधन के नाम। वाकई और गठबंधन को जाहिर तौर पर यहाँ जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई थी ये फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो दो जिसकी तरफ आप बार बार इशारा कर रही है, राजनीतिक विरासत वाले परिवार, उनमें टूट फूट का एक इतिहास और हो सकता है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, बाहर निकले मन हुआ बताया उन्होंने, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया उस आधार पर एक खाका खींचा जा रहा है। नतीजों को के लिए तो हम सब 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना चुनाव भारत के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी वाला टॉपिक है। क्या 4 तारीख को होगा वो तो ठीक है, पर हर चौराहे पर चर्चा ये होती कि इस बार होगा क्या। इसी वजह से एग्जिट पोल आपके सामने, दक्षिण भारत से शुरुआत, तमिलनाडु 39 लोकसभा सीटें, एनडीए के खाते में 1 से 3, इंडिया के खाते में 36 से 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और 2 सीटें अन्य के खाते में। और बता दें आपको कि पहले ही चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। तमिलनाडु 39 सांसद जहां से चुनकर दिल्ली जाते हैं, और 2024 को लेकर जो एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा है कि एनडीए अपना खाता खोल सकता है, 1 से 3 सीटें एनडीए हासिल कर सकता है, और कितना अहम हो जाता है तमिलनाडु, आप यकीन सोच सकते हैं कि अप्रैल में ही इस साल की शुरुआत में ही 10 दौरे प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे। और लगातार ये ब्रेकिंग अपडेट होती हुई, केरल में एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान, और अगर ये अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बड़े फैक्टर के तौर पर, इसे ध्यान रखिएगा, लगातार केरल में पार्टी जो बीजेपी है उसके वोटिंग परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा है। राजनीति के बारीक जानकार इस पर नजर रखे हुए हैं। केरल की बात कर ली जाएगी, एनडीए 1 से 3 सीट, इंडिया, ये तमिलनाडु की स्थितियां थी, केरल में क्या है, केरल में एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान नजर आता है। बड़ी बात यह है कि केरल में देखिए धर्म पर या जाति पर वोट नहीं डाले जाते हैं, बल्कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर मुखर रहता है मतदाता, स्थानीय मुद्दे, चेहरे यहाँ पर खेल बनाते बिगाड़ते हैं। इसीलिए केरल की राजनीति में कहा जाता है कि पढ़े लिखे मतदाता है, जागरूक मतदाता है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी यहाँ पर अपनी जमीन तैयार करती नजर आ रही है। 1 से 3 सीटें मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी है। देखिए जो वास्तविक तस्वीर होगी वो 4 तारीख को ही सामने होगी। पिछली बार 0 था एनडीए के आगे, 20 सीटें हैं लोकसभा में केरल की। हालांकि यूडीएफ वहां पर है, एलडीएफ है, जॉइंट होकर ये चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल केरल की स्थितियां, एनडीए को 1 से 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, 20 सीटें जैसा कि अभी आपने जानकारी देखी भी। और अब कर्नाटक, गेट ऑफ साउथ जिसे आप कहते हैं, वहां की स्थितियां, वहां का एग्जिट पोल क्या है। कर्नाटक में एनडीए को 23 से 26 सीटों का अनुमान। कर्नाटक में सरकार किसकी है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, बावजूद उसके एनडीए यहां से बड़े मार्जिन से सीट जीती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक में 28 सीटें, 28 में क्या स्थितियां वो देख लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना
मामला गर्मा गया था प्रज्वल रेवन्ना को लेकर, और कर्नाटका में अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है 23 से 26 सीटों का अनुमान एनडीए को, और आंध्र प्रदेश की तस्वीर अब आपके सामने। आंध्र प्रदेश की क्या स्थितियां वो अब आपके सामने आने वाली हैं। आंध्र प्रदेश बड़ा प्रयोग किया गया, आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 22 सीटें, कुल 25 सीटें यहां पर, और इंडिया का खाता यहां नहीं खुलेगा ये बात कही जा रही है। अन्य को 5 से 8 सीटों का अनुमान, 2019 में शून्य रहा था यूपीए, शून्य था जो पिछली बार यूपीए था, अब इंडिया गठबंधन लेकिन खाता खोलने में कामयाब नहीं रहेगा ये एग्जिट पोल कह रहा है। असल तस्वीर नहीं, वास्तविक तस्वीर 4 तारीख को सामने आएगी, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि इंडिया को, इंडिया गठबंधन को आंध्र प्रदेश में निराशा हाथ लग सकने का अनुमान है। और इसके पीछे वजह ये कि ठीक चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ, चंद्रबाबू नायडू आ गए, और जो कल्याण सेना है अभिनेता की पार्टी वो आ गई, और एक तरह से एक वापस, हालांकि नायडू आए हैं वो थोड़ा नाराज हो गए थे पहले एनडीए से, लेकिन वापस वो एनडीए में आ गए, और ये माना जा रहा था कि इस तरह से आंध्र प्रदेश के नतीजों में ये हेर फेर नजर आएगी। आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर, 25 सीटें वाईएसआर कांग्रेस यहां पर सत्ता में, यहां मिलती 19 से 22 सीटें नजर आ रही है। और अब अगला नंबर है तेलंगाना का, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेगा एग्जिट पोल तेलंगाना को लेकर क्या कह रहा है। 17 सीटें हैं लोकसभा में, 7 से 10 सीटों का अनुमान, पिछली बार बीजेपी के पास 4 सीटें में गई थी 17 में से, तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार, इंडिया को 5 से 8 सीटों का अनुमान, मेगा एग्जिट पोल बता रहा है तेलंगाना में। एमआईएम के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, हैदराबाद की टाइट फाइट इस बार सबने देखी है, पहली बार होगा कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, हर किसी से उन्होंने इंटरव्यू के दौरान चर्चा की, बातचीत की, उनके सामने थी माधवी लता, बहुत जबरदस्त ये सीट होगी, 4 तारीख को भी इस पर नजर रहेंगी। तेलंगाना में अन्य के खाते में 3 से 5 सीट की बात कही जा रही है, 17 सीटें यहां पर है, और टीआरएस को हटाकर अभी अभी कांग्रेस ने कब्जा किया है तेलंगाना पर विधानसभा चुनाव में। तो क्या स्थितियां, एनडीए को 7 से 10 सीट की बात कही जा रही है, यानी फायदे में एनडीए यहां पर नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल नतीजों के करीब रहते हैं तब, नतीजे 4 तारीख को आएंगे, तेलंगाना की स्थितियां आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, और अमित श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संतोष गौतम जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मध्यप्रदेश से, धवले जी हैं, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, सौरभ दुबे जी हैं, और साथ ही पुनीत हमारे सहयोगी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पुनीत में से 131 का ये जो आंकलन है ये टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक जो हैं देख पा रहे होंगे, और दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, ये जो आंकलन है इसमें आप एक एक करके, हमने खास तौर पर दक्षिण के राज्यों के बारे में बताया, और इसमें आंध्र प्रदेश जहाँ की 25 सीटें हैं, और पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस जो है उसका एक तरफा दबदबा यहां देखने को मिला था, और इस बार जो आंकलन है वो बहुत अलग आ रहा है और एनडीए के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी दक्षिण भारत का जो आप दिखा रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गदगद होने वाली बात है। केरला में आप उनको प्लस कर रहे हैं, आप उनको जो है तमिलनाडु में प्लस कर